राजस्थान के भरतपुर के चर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में उत्तर प्रदेश की मथुरा जिला अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक समेत दोषी पाए गए 11 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। वहीं एक केस में आरोपी 3 लोगों को बरी कर दिया गया है। इस दौरान दीपा, उनके पति विजय सिंह, पुत्र कुंवर दुष्यंत सिंह और भाजपा नेता अरविंद पाल सिंह कोर्ट में मौजूद रहे। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद पुलिस उपाधीक्षक कान सिंह भाटी सहित 11 आरोपियों को दोषी करार दिया था। चार्जशीट में आरोपी बनाए गए 18 पुलिसकर्मियों में से डीएसपी कान सिंह भाटी के चालक कांस्टेबल महेंद्र सिंह को पूर्व में ही बरी किया जा चुका था। वहीं 3 अन्य आरोपी सिपाही नेकीराम, सीताराम और कुलदीप सिंह की मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है। फैसला आया है, क्या कहेंगी सजा सुनाई गई है? नहीं, जो आज फैसला आया है वो हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 35 साल में इनको न्याय मिला है हम लोगों को, और जो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो हमको भी खुशी है कि न्याय मिला है। कोर्ट ने डीएसपी कान सिंह भाटी, थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, राजस्थान सशस्त्र बल के हेड कांस्टेबल जीवन राम, हेड कांस्टेबल भवर सिंह, सिपाही हरि सिंह, शेर सिंह, छतर सिंह, पद्मा राम, जगमोहन व डीक थाने के दूसरे अफसर इंस्पेक्टर रवि शेखर मिश्रा और सिपाही सुखराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात अपराध सहायक निरीक्षक कान सिंह सीरवी, हेड कांस्टेबल हरि किशन व सिपाही गोविंद प्रसाद को निर्दोष करार दिया है।